इंश्योरेंस, इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस कैसे लेना चाहिए, कौन सा इंश्योरेंस लेना चाहिए, इंश्योरेंस से रिलेटेड जितने भी स्कैम है उससे आप कैसे बच सकते हैं। तो हाय, मेरा नाम है नेहा और आज हम इस वीडियो में आपकी इंश्योरेंस से रिलेटेड सारी क्वेरी को डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में है यशपाल रस्तोगी, जो पिछले 22 सालों से अपने क्लाइंट्स को इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट के लिए गाइड कर रहे हैं, उनको हेल्प किया है इन सारी चीजों में। तो सर बताइए हमारे ऑडियंस को इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि हम सिक्योर होते हैं। अगर मान लीजिए हमारी लाइफ में कोई भी कैजुअलिटी आती है अनसर्टेन, तो उसको हम कैसे कवर करेंगे, वो इंश्योरेंस के थ्रू कवर होता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि एक छोटा सा अमाउंट देके आपका एक बड़ा इंश्योरेंस हो जाता है। अगर आप 5,000 रुपये का प्रीमियम पे कर रहे हो तो 5,00,000 रुपये का आपका सम इंश्योर हो जाता है इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी, जो कि वो इंश्योरेंस में कवर होगी, उससे हम उसकी रिकवरी कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, तो हेल्थ इंश्योरेंस अगर आपने 5,000 रुपये पे करके 5,00,000 का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, तो अगर मान लीजिए आपको कोई भी बीमारी होती है, हॉस्पिटलाइजेशन होता है, उस केस में 5,00,000 रुपये तक का कवर आपको इंश्योरेंस कंपनी पे कर देती है। ओके, तो इंश्योरेंस कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या इंश्योरेंस हम ले सकते हैं? ओके, तो सबसे पहला इंश्योरेंस होता है टर्म इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस जिसे कहते हैं। टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है कि आपने अपनी लाइफ के लिए कवर लिया हुआ है इन केस ऑफ एनी कैजुअलिटी। अगर आपकी फ्यूचर में डेथ हो जाती है तो वो आपकी फैमिली को सिक्योरिटी देता है। फॉर एन एग्जाम्पल कि अगर आप आज 6,00,000 रुपये की इनकम साल की कमा रहे हैं, तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस लेंगे तो नॉर्मल एज में 25-26 साल की एज में 15,000 से 20,000 रुपये का इंश्योरेंस आता है। आप हर साल उसे पे करेंगे 15-20,000 रुपये और आपका 1 करोड़ का सिक्योरिटी रहेगा। 1 करोड़ रुपये इन केस ऑफ कैजुअल्टी अगर आपकी डेथ हो जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी फैमिली को ले लेती है और सरकार। तो ये एक हो गया टर्म इंश्योरेंस, मतलब आपके बाद आपकी फैमिली को संभालने के लिए। इसमें जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक आपको कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन इन केस ऑफ कैजुअल्टी आपकी फैमिली को मिलेगा। तो बेसिकली ये सिक्योरिटी है आपकी फैमिली के लिए। सेकेंड थिंग इज हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या करता है, जो भी हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे होते हैं, उसके पहले के, उसके बाद के और हॉस्पिटलाइजेशन के, वो सारे कवर करता है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस में अगर कोई भी बंदा किसी भी बीमारी के चलते एडमिट होता है किसी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे उसको हॉस्पिटल में एक भी पैसा नहीं देना पड़ता, वो सारे पैसे कंपनीज देती है। मतलब बेसिकली हेल्थ इंश्योरेंस अगर हम बीमार होते हैं तो वो सारे खर्चे हेल्थ इंश्योरेंस से पूरे होते हैं जी। इसके अलावा सर, इसके अलावा एक पर्सनल एक्सीडेंटल होता है। अब देखिए, अगर कोई बंदा बीमार हो गया या मान लीजिए किसी को फ्रैक्चर हो गया, ठीक है, तो वो हॉस्पिटल गया, हॉस्पिटल के खर्चे तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी ने दे दिए। अब उसके बाद में डॉक्टर ने उसे बोला, एडवाइस किया कि आपको 3 महीने बेड रेस्ट पे रहना है या आपको घर पे ही रह के काम करना है, और वो अगर कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, उनकी कंपनी उन्हें अलाउ नहीं करती है कि भाई आप 3 महीने 6 महीने के लिए घर पे नहीं बैठ सको, तो उनका सर्वाइवल कैसे होगा। तो उसके लिए पर्सनल एक्सीडेंटल होता है। पर्सनल एक्सीडेंटल का काम ये है कि इन केस ऑफ एनी एक्सीडेंट वो आपको वीकली इनकम प्रोवाइड करते हैं। जिस तरीके का सम एश्योर्ड आप लेंगे उसके हिसाब से आपको वीकली इनकम प्रोवाइड होती है। तो ये 3 बेसिक इंश्योरेंस है जो हमने किसी भी इंसान को, चाहे वो जॉब करता है या बिजनेस करता है, अगर वो अर्निंग मेंबर है फैमिली का, तो उसको ये 3 इंश्योरेंस अपने लिए लेने चाहिए ताकि उसकी फैमिली और वो खुद भी अच्छे से कवर करे। एग्जैक्टली। इसके अलावा सर, बहुत से लोगों का ये रहता है कि अभी तो हम यंग हैं, हम बहुत हेल्दी हैं, तो हमें तो कोई जरूरत ही नहीं, हमें क्या होने वाला है, तो मतलब क्या जरूरत है इंश्योरेंस लेने की? देखिए, अगर आप हेल्दी हैं, हेल्दी होते समय आपको मलेरिया भी हो सकता है, आपको डेंगू भी हो सकता है, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो एज देख के मच्छर आपको काटेगा। इसके अलावा एक्सीडेंट तो किसी भी एज के बंदे का हो सकता है, चाहे वो 15 साल का हो, चाहे वो 20 साल का हो, चाहे 50 साल का हो, चाहे 25 साल का हो, किसी भी एज में एक्सीडेंट तो हो ही सकता है। तो इन सब चीज़ों को कवर करने के लिए आपको जल्दी से जल्दी लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस। दूसरा एक मुख्य कारण ये है कि आज आप हेल्दी हैं, लेकिन क्या गारंटी है कि आप 10 साल बाद हेल्दी रहेंगे, और जब आप अनहेल्दी हो जाएंगे तो कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर देने से कतराएगी। बहुत सारे केसेस ऐसे मैंने देखे हैं अपनी लाइफ में, जब वो हेल्थ इंश्योरेंस लेने आए, जब वो बीमार हुए तो वो लेने आए, और जब वो हेल्थ इंश्योरेंस वो लेने आए उस समय कंपनीज ने डिनाई कर,
मेरे साथ में कई सारे ऐसे एग्जांपल्स हुए हैं, मेरे कई सारे फ्रेंड्स हैं जो अपने पिताजी का इंश्योरेंस का क्वेरी मुझसे करते रहते हैं। कब करते हैं? जब वो हॉस्पिटल में एडमिट कराने जा रहे होते हैं। तो लोगों को ये लगता है कि जब हम हॉस्पिटल में एडमिशन करा रहे हैं उस समय हम इंश्योरेंस लेंगे और हमें क्लेम मिल जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, उसमें बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। तो मेरा मानना यही है कि जब बंदा हेल्दी हो तभी उसको हेल्थ इंश्योरेंस ले लेना चाहिए, जिससे कि आगे आने वाली समस्याओं से बचा जा सके। मतलब ऑल ओवर प्रेजेंट कॉन्सेप्ट को ना देखते हुए फ्यूचर को देखते हुए आपको कि आने वाले टाइम में आपकी हेल्थ कैसी होने वाली है या कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे साथ हो सकती है। इसके अलावा सर बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि ठीक है हमें अपनी किसी भी चीज के लिए इमरजेंसी के लिए पैसा चाहिए, वो तो हम इन्वेस्ट करके भी कमा सकते हैं उतना पैसा, तो जितना हम इंश्योरेंस में देंगे उतना हम इन्वेस्टमेंट से भी कमा लेंगे। ठीक है, दोनों में फर्क है। सबसे पहली चीज, जो इंश्योरेंस होता है वो सिक्योरिटी के लिए होता है और इन्वेस्टमेंट ग्रोथ के लिए होता है। जैसे कि क्रिकेट है, क्रिकेट में हम मैदान पे खेलने जाते हैं तो क्या हम गार्ड्स नहीं पहनते? लेकिन गार्ड्स का छक्के मारने से या चौके मारने से कोई ताल्लुक होता है? नहीं होता। तो इसी तरीके से सिक्योरिटी का और इन्वेस्टमेंट का एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं होता है। सबसे पहले अगर आपको हेल्दी और वेल्दी बनना है तो आपको अपने आप को पहले सिक्योर करना पड़ेगा। इन केस ऑफ एनी कैजुअल्टी आपकी फैमिली को सिक्योर करना पड़ेगा, तभी आप बोल्ड कॉल्स ले सकते हैं। मतलब इन्वेस्टमेंट भी आप कर रहे हो, ठीक है, लेकिन उसके साथ में सिक्योरिटी पहले है, इन्वेस्टमेंट्स बाद में। कोई भी इन्वेस्टमेंट, अगर मान लीजिए कोई भी आपकी कैजुअल्टी हो जाती है आपके साथ में, मान लीजिए आप बीमार हो गए या इन केस आपकी डेथ हो गई, तो वो वन टाइम पैसा आपका इन्वेस्टमेंट यूज हो सकता है। लेकिन अगर आप रेगुलर 4-5 साल 10 साल तक बीमार रहे और बार बार आपको पैसे की जरूरत पड़ती रही, तो आपकी इन्वेस्टमेंट कब खत्म हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो बेसिकली ये है कि इन्वेस्टमेंट और सिक्योरिटी दोनों को एक साथ लेके चलना है। तो इंश्योरेंस इज मैंडेटरी। जो बेसिक इंश्योरेंस मैंने आपको बताया कि हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और पर्सनल एक्सीडेंट, ये तो इंसान को लेने ही चाहिए। उसके बाद में इन्वेस्टमेंट भी करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट आपका वेल्थ क्रिएट करने में काम आता है और इंश्योरेंस जो होता है वो अपनी लाइफ को सिक्योर करने में काम आता है। तो सर जैसे हम अपना कोई भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं या हेल्थ इंश्योरेंस, तो मतलब वो एक बार लेके छोड़ देना चाहिए या उसको हमें टाइम टू टाइम अपग्रेड करता रहना चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए? बिल्कुल अपग्रेड करना चाहिए। देखिए, आज से 10 साल पहले जो आपकी इनकम थी, क्या आज वही इनकम है? नहीं। आज से 10 साल पहले आपका जो खर्चे थे वो क्या आज भी वही खर्चे हैं? देखिए, इन्फ्लेशन हर जगह पे बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन जब बढ़ रहा है तो हमें उस हिसाब से अपना सम एश्योर्ड भी इंश्योरेंस में बढ़ाना चाहिए। अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हो तो आज की डेट में 5 लाख 7 लाख 10 लाख रुपए एक नॉर्मल चीज़ है। अगर डेंगू का पेशेंट भी 10 दिन के लिए एडमिट हो जाता है तो 5-6 लाख रुपए लग जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई रोबोटिक सर्जरी या कोई भी ऐसी सर्जरी, साइबर नाइफ सर्जरी आ गई है जो कि जिसमें 10-12 लाख 15 लाख रुपए कब उठ जाते हैं पता नहीं चलता, तो आपको एक एडिक्वेट सम इंश्योरेंस लेना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस में, जिससे कि आप 100% कवर हो, ठीक है। और उसको टाइम टू टाइम बढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि आज जो चीज़ 10 लाख रुपए खर्च करने से मिल रही है हमें, वो हो सकता है अगले 5 साल बाद 15 लाख खर्च करने से मिले और अगले 10 साल बाद 20 लाख खर्च करने से। तो हर साल नहीं तो हर 5 साल में आपको उसको रिवाइज करना चाहिए, अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाना चाहिए। इसी तरीके से टर्म इंश्योरेंस में भी, जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था टर्म इंश्योरेंस के लिए कि अगर आपकी 6 लाख रुपए साल की इनकम है तो आपको 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस करना चाहिए। अब आज आपकी 6 लाख की इनकम है तो हर साल आपकी 10%, 15%, 20% से इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। उसी तरीके से आपको टर्म इंश्योरेंस में भी इंक्रीमेंट चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे जो फैमिली का रिस्क है वो भी बढ़ रहा है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रहा है, लाइफस्टाइल भी चेंज हो रही है। बिल्कुल। तो वहां पे भी हमें हर 3 से 4 साल बाद उसको रिव्यू करना चाहिए और उस सम एश्योर्ड अमाउंट को बढ़ाना चाहिए। और सर मेन इम्पोर्टेंट चीज, जब हम कोई भी इंश्योरेंस लेते हैं तो क्या चीजें हैं, क्या इम्पोर्टेंट चीजें अपने दिमाग में रखनी चाहिए कंपनी के लिए, अपने खुद के लिए और फैमिली के लिए? ओके, देखिए सबसे पहली चीज तो ये है कि अगर हम कोई भी इंश्योरेंस ले रहे हैं तो एक चीज तो तय है कि हमें अपनी सही जानकारी पूरी देनी है। KYC डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लगाना है, email ID फोन नंबर प्रॉपर लिखना है। इसके अलावा हमारे साथ में जो कुछ भी घटा है, जो कुछ भी बताना है, वो क्लियर कन्वेड होना चाहिए इंश्योरेंस लेते समय,
जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस में क्या होता है कि लोग अक्सर से अपनी बीमारियों का जिक्र नहीं करते हैं या वो भूल जाते हैं बताना, और इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, वो पॉलिसी जनरेट कर देती हैं। ऐसा कई बार मैंने देखा है जो ऑनलाइन इंश्योरेंस परचेज करते हैं उनके साथ में ये बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, जिसकी वजह से जब उनका क्लेम आता है तो उनको क्लेम नहीं मिलता। तो सबसे पहली चीज है, कभी भी आप इंश्योरेंस लेने जाएं तो आपकी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में इंश्योरेंस कंपनी को बताना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिएगा अभी एडमिट हुए हैं लंबे समय के लिए या लंबे समय तक कोई दवाई चली है, उसके बारे में बताना है। इसके अलावा अगर कोई आपका एक्सीडेंट हुआ है बचपन से लेके अभी तक, अगर आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है जिसकी वजह से आपको फ्रैक्चर हुआ हो या कुछ भी समस्या रही हो, उसके बारे में बताना है। आजकल नॉर्मल बीमारियां हैं जैसे थायराइड, बीपी, शुगर, ये नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, बहुत कॉमन चीज़ें हैं और लोग रोज़ दवाई खाते हैं इसकी, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो बताना ही भूल जाता है। वो सब चीज़ें डिक्लेयर करनी है आपको अपने लिए भी, अगर आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हो फैमिली के लिए भी ले रहे हो, तो फैमिली के जितने भी मेम्बर्स हैं उन सब के लिए वो बताना है। अगर उसमें कोई बच्चा भी शामिल हो रहा है तो बच्चे के साथ में भी अगर जन्म से कोई भी इशू रहा हो तो वो आप डिक्लेयर कर दो। अगर इंश्योरेंस कंपनी को पॉलिसी देनी होगी तो वो उस कंडीशन पे देगा, नहीं देनी होगी तो वो रिजेक्ट कर देंगे, आपका पैसा जाएगा और वापस आ जाएगा। लेकिन कम से कम जब आपको क्लेम लेने का टाइम आएगा उस समय कोई आनाकानी नहीं होगी, रिजेक्शन नहीं आएंगे। तो एक चीज तो अपनी तरफ से हमें क्या करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इंश्योरेंस कौन सी कंपनी का लेना है, कैसे लेना है, कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए सुटेबल है, तो उसके लिए आपको फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ में बैठना चाहिए और उससे डिस्कशन करना चाहिए कि भाई कौन कौन से प्लान्स हैं जहाँ पे हम बेस्ट सूट हो रहे हैं, हमारी फैमिली बेस्ट सूट हो रही है, तो हमें उससे जानकारी लेके उसके जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उन उसमें जितने भी फीचर्स हैं उनको पढ़ना चाहिए और उनके बारे में समझना चाहिए, और फिर जो भी अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस नज़र आता है उसमें हमें अप्लाई करना चाहिए। इस तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। इसी तरीके से अगर टर्म इंश्योरेंस की बात करें तो टर्म इंश्योरेंस में भी नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस तो सारी कंपनीज के एक जैसे ही होते हैं, बस जो मैंने डिक्लेरेशन वाली बात कही वो डिक्लेरेशन आपको इनिशियल स्टेज में ही करना है। ओके सर, इसके अलावा बहुत से लोगों को ये रहता है कि इंश्योरेंस मतलब स्कैम है, मतलब बहुत ट्रस्ट इशू रहते हैं, तो उस चीज़ को क्या उस पर क्या मतलब करना चाहिए? ये मैंने आपको बताया ना कि अगर आप ट्रस्टवर्दी हो, आप प्रॉपर वे में कन्वे कर रहे हो अपनी सारी सिचुएशंस को, तो ऐसा नहीं है कि कोई भी इंश्योरेंस कंपनी डिनाई कर सके। आज के डेट में सरकार IRDA इतने सख्त हो गए इंश्योरेंस कंपनीज में कि उन्होंने बिल्कुल स्ट्रिक्ट नोटिस डाल रखे हैं इंश्योरेंस कंपनी को कि वो किसी का भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस हैं उसकी। जैसे कि आज के डेट में मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी का टर्म इंश्योरेंस चल रहा है या किसी का भी लाइफ इंश्योरेंस चल रहा है और 3 साल तक अगर वो पे कर चुका है अपना प्रीमियम, तो 4th साल में अगर क्लेम आएगा तो कंपनी रिजेक्ट कर ही नहीं सकती। कंपनी को टाइम दिया जाता है, वो कहते हैं कि आप 3 साल में जितनी छानबीन करनी है आप उतनी छानबीन उस बंदे के लिए कर लीजिए जिसने इंश्योरेंस लिया है, उसके बाद में हम आपकी एक बात नहीं सुनेंगे, आपको अगर क्लेम आता है तो आपको देना पड़ेगा। सीधी सी बात है कि शुरुआती टाइम में हम अगर सही हैं और हमने सही से कन्वे किया है और उन्होंने एक्सेप्ट किया है तो उनको क्लेम देना ही पड़ेगा और 3 साल के बाद तो उन्हें देना ही पड़ेगा। और कहीं ना कहीं सर इसमें ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप किसके थ्रू वो पॉलिसी ले रहे हैं, भी राइट इन्फॉर्मेशन मिलनी और देनी दोनों ही जरूरी है। एग्जैक्टली, ठीक है। सबसे बड़ी समस्या यही है कि जब आप ऑनलाइन परचेज करने जाते हैं तो आपके सामने कोई भी बंदा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे आपने ऑनलाइन परचेज कर लिया और आपने ऑनलाइन परचेज करके वो पॉलिसी आपके हाथ में आ गई। अगर मान लीजिए कोई आपका फाइनेंशियल एडवाइजर है तो मेरी सलाह ये है कि आप किसी भी फाइनेंशियल एडवाइजर से लीजिए, तभी आपको बेनिफिट्स मिल पाएंगे। क्योंकि मे भी ऐसा होता है कि जो मुखिया होता है, जो पैसा कमाने वाला बंदा होता है, वो अपने लिए लेता है और इनकेस अगर उसके ही साथ में समस्या हो जाती है तो उसकी फैमिली तो अननोन है, वो कुछ जानती नहीं है। इवन कई लोग तो ऐसे हैं कि जो अपनी फैमिली में ये नहीं बताते कि मैंने ये इंश्योरेंस ले रखा है, तो उस केस में क्या होगा, उस इंश्योरेंस का बेनिफिट नहीं होगा। तो इसलिए आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर को अपॉइंट करके ये सारी पॉलिसीज लीजिए और उसके साथ साथ आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को उनसे मिलवाइए, इन केस अगर कोई कैजुअल्टी होती है, कोई डिफिकल्टी आती है, तो कम से कम आपकी मदद करने वाला जरूरत पर टाइम में मिल सके। एग्जैक्टली, आपकी मदद करने वाला कोई बंदा तो है आपके साथ में खड़ा हुआ। कुछ भी परेशानी है फोन करके वो उनको बोल सकते हैं।
और देखिए बहुत सारी चीजें होती है, आप ऑनलाइन खरीदते हैं आपको रिमाइंडर मेल्स आते हैं, ठीक है, आप ऑफलाइन खरीदते हैं तो भी आपको रिमाइंडर मेल्स आते हैं, लेकिन कई बार होता है कि हम अवॉइड कर देते हैं। अगर आप फाइनेंशियल एडवाइजर से खरीदेंगे तो वो आपको रिमाइंडर कॉल करेगा कि सर आपका पेमेंट ड्यू हो रहा है, आप पेमेंट कर दो, तो आपको ध्यान रहेगा क्योंकि वो भी ध्यान रख रहा है, आप भी ध्यान रख रहे हो जी, है ना। इसके अलावा जब कोई क्लेम की दिक्कत आ रही होगी तो वो आपके साथ में खड़ा होगा, वो आपको बताएगा कि कैसे प्रोसेस करना है, क्या क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, वो सारी चीजें आपको डिटेल में बताएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल एडवाइजर का होना जरूरी है, मतलब एक राइट पॉलिसी लेना उतना ही जरूरी है जितना एक राइट पर्सन के साथ एसोसिएट होकर पॉलिसी लेना जरूरी है। एग्जैक्टली। इसके अलावा सर पॉलिसी इंश्योरेंस पॉलिसीज के कुछ टैक्स बेनिफिट भी होते हैं? बिल्कुल टैक्स बेनिफिट होते हैं। अगर मैं लाइफ इंश्योरेंस या टर्म इंश्योरेंस की बात करूँ तो उसमें 80C सेक्शन 80C है इनकम टैक्स में, जहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक का अगर आपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है साल का तो 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में छूट होता है। अगर आप 30% के स्लैब में आते हैं तो आपको 30% का बेनिफिट मिल रहा है, तो आपका टैक्स कम कटेगा 30% से, राइट। इसी तरीके से जैसे 80C में ये इंश्योरेंस आता है लाइफ इंश्योरेंस, इसी तरीके से हेल्थ इंश्योरेंस आता है 80D में। 80D में अगर आप अपना और अपनी फैमिली का अगर आते हो तो 25,000 रुपए का इंश्योरेंस प्रीमियम वहाँ पे छूट मिल जाएगी आपको 80D के अंदर, और अगर आप अपने पेरेंट्स का कराते हो तो 50,000 रुपए तक की एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी, मतलब कि ओवरऑल 75,000 तक की छूट मिल सकती है। तो मतलब कि हेल्थ इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस आपकी लाइफ और फैमिली को तो सिक्योर करते ही है, साथ में एक्स्ट्रा आपको टैक्स बेनिफिट भी देता है। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियोस के लिए बेल आइकन दबाएं ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशंस आते रहें। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी है आप हमें कमेंट करके अपनी क्वेरी बता सकते हैं, हम आपकी क्वेरी सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। बाकी हमारे सोशल पेजेस पे हमें फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड लिंक्डइन। थैंक यू।